तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ फेसबुक पर जो मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, मतलब कि अब जो फेसबुक पर जो लोग वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो उनकी वीडियोज़ पर जो इंडिया के जो लोग हैं उन पर भी जो है एड्स जो है चालू हो जाएंगी और वहाँ से जो है एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से भी जो आप पैसे कमा सकते हैं। तो क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो शुरू से लेकर के लास्ट तक का जरूर देखना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको हमारा आज का जो वीडियो वो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूट्यूब पर जो है मोनेटाइजेशन ऑन बहुत पहले से है, मगर वहाँ पर भी जो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो जब तक आप पूरे नहीं कर पाओगे तब तक जो आपके यूट्यूब पर जो है मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, कोई भी एड्स नहीं चलेंगी, कोई भी आप वहाँ से एक रुपया तक भी नहीं कमा सकते हो। तो इसी तरीके से जो फेसबुक पर भी जो मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है वहाँ का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको वहाँ पर चाहिए कम से कम 10,000 फॉलोवर। जब आपके 10,000 फॉलोवर होंगे आपके फेसबुक पेज पर, आपको फेसबुक प्रोफाइल पर कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करनी है। सब कुछ पहले ध्यान से सुन लेना, जब जो है बाकी के काम जो है वो करना। आपको अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, फेसबुक पर सबसे पहले जो जिस तरीके से चैनल बनाया जाता है उस तरीके से फेसबुक पर जो पेज बनाया जाता है। तो पेज के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, मैं आपको वीडियो एक अलग से बना करके सब कुछ वहाँ पर बताऊँगा कि किस तरीके से पेज बनाते हैं और किस तरीके से वहाँ पर वीडियोज़ वगैरह जो भी वो अपलोड करते हैं। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले होने चाहिए 10,000 सब्सक्राइबर, 30,000 आपके पास व्यूज़ होने चाहिए, जहाँ पर आपको एकदम कम से कम जो है एक मिनट का जो वॉच टाइम वो वहाँ पर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एक मिनट का वॉच टाइम नहीं है, यानी कि एक वीडियो पे कम से कम एक मिनट का वॉच टाइम, यानी मैं पूरे जो वीडियोज़ हैं उनका एक मिनट का वॉच टाइम नहीं कह रहा हूँ, एक वीडियोज़ पर एक मिनट का अगर वॉच टाइम नहीं मिला तो आपको जो वो वाला व्यूज़ है तो वो नहीं गिना जाए। मान लीजिए आपके वीडियोज़ पर 30,000 व्यूज़ जो वो कंप्लीट हो गए, आप कहेंगे अब फिर मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि कम से कम आपकी उनमें से वीडियोज़ अगर कुछ ऐसी होती है, मैं नहीं कहता कि ऐसी नहीं हो सकती, हो भी सकती है कि जिन पर आपको एक मिनट का वॉच टाइम नहीं मिला हो, तो ऐसे में आपको जो है कम से कम एक वीडियो पर एक मिनट का वॉच टाइम होना चाहिए। और लास्ट 6 मंथ्स में, एक साल का टाइम दे रहा था यूट्यूब और यहाँ पर जो 6 महीने का टाइम दे रहा है यहाँ पर हमें फेसबुक, 6 महीने के अंदर अंदर यानी पिछले 6 महीने में हमें जो है कंप्लीट कर लेना होंगे 30,000 व्यूज़ एक मिनट के वॉच टाइम के साथ। और इंडिया का जो है वो तो इंडिया में, यानी कि इंडिया कंट्री भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में था इनके, तो इंडिया जो है उसमें आ चुका है। तो इंडिया के सभी जो हैं वो क्रिएटर्स तो वो यहाँ पर फेसबुक पर अपने वीडियोस बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक खास बात जो मेरे को आपको बतानी थी वो ये है कि जो फेसबुक पर यानी जो यूट्यूब पर बहुत दिनों से वीडियोज़ बना रहे हैं वाइंस वाली, यानी कि कॉमेडी वीडियोज़ बनाते हैं और जैसे रोस्टिंग जो वीडियोज़ बनाते हैं वो जो है अपनी उन्हीं वीडियो को उठाओ, ये पहले प्राइवेट कर दो, जो वीडियो आपकी वायरल नहीं हो पा रही हो जिनमें आपने बहुत ही मेहनत करी हो तो वो वीडियो उठाओ और फेसबुक पर अपलोड कर दो, और जो पहले वाली जो वीडियो आपकी यूट्यूब पर उसे प्राइवेट कर दो कि ताकि कॉपीराइट वगैरह, वैसे तो आपकी वीडियोज़ है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या पता है कुछ कर भी दे तो आपको यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं करना, आपको अपनी ही वीडियो उठानी है और वहाँ फेसबुक पर अपलोड कर देनी है। आपको पता होगा कि फेसबुक पर लोग कितने धड़ल्ले से जो है वो शेयर करते रहते हैं वीडियोज़ को, तो इस तरीके से आपके व्यूज़ आने के बहुत ही अच्छे चांस रहेंगे। तो बस यही कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बताया। अगर आप जो यहाँ कंप्लीट करते हैं इस तरीके से अपने जितने भी ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, तो यहाँ पर अब मैंने एक नीचे लिंक दिया है, अगर आपको चेक करना है कि मेरा जो पेज है आपने पहले से पेज बना रखा है तो उसको कंप्लीट करने, यानी कि आप देखने के लिए किस तरीके से देखा जा सकता है, तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप थोड़ा बहुत स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा गो टू क्रिएटर स्टूडियो नाम से, या फिर गो टू स्टूडियो, या तो गो टू एड ब्रेक, इस तरीके के नाम के कभी कभी आ रहे तो वहाँ पर जाकर करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है अपने पेज का आप रिक्वेस्ट टू डेस्कटॉप साइट में ऑन करेंगे तभी जो आपको ये ऑन होने वाला, वरना ऑन नहीं होगा। तो पहले ही मैं बता रहा हूँ रिक्वेस्ट टू डेस्कटॉप साइट में या फिर मेरी तरह पफिन ब्राउजर में आप जो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पीसी पे मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो उनके लिए डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर अगर ग्रीन ग्रीन मार्क आ रहा है तो आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और आपका जो पेज है फेसबुक का वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो कर दिया जाएगा। तो और जिनके में रेड आ रहा है तो उनको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपके पेज पर क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आप उनको जब कंप्लीट कर लेंगे तब जो आपका फेसबुक पेज जो है वो मोनेटाइज हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और जाइए नीचे रेड कलर का बटन है क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।